आप सबने रोड पर जाते हुए कई एक्सीडेंट्स देखे होंगे, लेकिन ये हादसा सिर्फ रोड पर ही नहीं बल्कि समुद्र में चलने वाले शिप्स के साथ भी पेश आते हैं। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको समुद्र में होने वाले ऐसे बड़े और एक्सपेंसिव शिप इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आप सब शॉक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जो शिप आप देख रहे हैं ये असल में एक कार कैरियर था जो कि सैकड़ों ब्रांड न्यू गाड़ियों को रशिया लेकर जा रहा था। दिसंबर 2021 में जब ये समुद्र में ट्रैवल कर रहा था तो सर्दी की वजह से टेम्परेचर -19 डिग्री तक पहुंच गया और समुद्र में बर्फ का तूफान आ गया। वेल, स्नो स्टॉर्म ने शिप पर मौजूद सारी की सारी गाड़ियों को फ्रीज करके पत्थर का बना दिया था। हैरानगी की बात यह है कि इन कार्स पर समुद्र के पानी की वजह से ऐसी हार्ड आइस जम गई थी जिससे ये सारी की सारी कार्स बर्बाद हो गई थी। इन जमी हुई कार्स को एक एक करके चेन से बांधकर शिप से नीचे उतारा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक भी कार सही सलामत नहीं बची थी। वेल, किसी भी शिपिंग कंपनी के लिए इससे बुरा दिन और भला क्या हो सकता है। दोस्तों, 2016 में हुंडई कंपनी ने गोल्डन रे शिप के नाम से एक कार कैरियर लॉन्च किया था जो कि पूरी दुनिया में ब्रांड न्यू कार्स को शिप करने का काम करता था। लेकिन सितंबर 2019 में इस शिप के साथ एक बहुत ही भयानक वाकया पेश आया था। ये जॉर्जिया की ब्रांसविक पोर्ट से 4,300 ब्रांड न्यू कार्स लेकर शिपमेंट के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वर्कर्स ने ये व्हीकल्स बहुत ही केयरलेसली लोड किए थे। इनका वजन शिप के लेफ्ट साइड पर ज्यादा था जबकि राइट साइड पर कम था। अभी ये शिप पोर्ट से निकलकर थोड़ा ही आगे गया था कि अचानक इसका बैलेंस आउट हो गया और ये पूरा का पूरा शिप उलट गया। वेल, अभी ये इतनी दूर नहीं था इसलिए इसके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया था और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस शिप पर मौजूद सारी की सारी व्हीकल्स पानी में डूब गई थी। इनमें किया, हुंडई, शेवरलेट, मर्सिडीज बेंज और इस तरह की बहुत सी कंपनीज के लेटेस्ट कार मॉडल्स मौजूद थे और इनमें से एक भी कार सलामत नहीं बची थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा शिप भी बुरी तरह तबाह हो गया था। वेल, ये शिप तो बर्बाद हुआ ही था, लेकिन इसके साथ साथ शिप कंपनी के ऑनर ने इन कार कंपनीज को $1 बिलियन से भी ज्यादा रकम पे की थी जिनकी कार का लॉस हुआ था। वेल, इससे बड़ा लॉस और भला क्या हो सकता है। दोस्तों, ये जो शिप आप देख रहे हैं इसका नाम एक्सन वेल्डरीज है और ये बेसिकली एक ऑयल टैंकर है। 24 मार्च 1989 को ये ऑयल से भरा हुआ शिप अलास्का से कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सफर लंबा था और क्रू मेंबर्स काफी थक चुके थे। वेल, इसी वजह से इन्होंने शिप के नेविगेशन सिस्टम को प्रॉपरली सेट नहीं किया था। इनकी इस मिस्टेक की वजह से शिप ने अपना रुख प्रिंस विलियम साउंड की तरफ मोड़ लिया था। प्रिंस विलियम साउंड एक बहुत ही रिमोट एरिया है जो कि पथरीले रास्तों से भरा हुआ है। जैसे ही इनका शिप इन रॉक्स के साथ टकराया, इसके टैंक में सुराख हो गया और इसमें से ऑयल लीक होना स्टार्ट हो गया। वेल, ये एरिया ऐसा था कि इसमें लोकल बोट्स का जाना भी इम्पॉसिबल था, लिहाजा हेलीकॉप्टर के जरिए इसके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन इस शिप को वहां से निकालने में 7 दिन का टाइम लग गया था और इन 7 दिनों में इस शिप के टैंक से 10.8 मिलियन गैलन ऑयल लीक होकर समुद्र में वेस्ट हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके टॉक्सिक केमिकल की वजह से इस एरिया में रहने वाले हजारों सी एनिमल्स, सील्स और सी बर्ड्स वगैरह मौत का शिकार हो गए थे। इस पूरे डिजास्टर में इस शिप कंपनी को आज के दौर के हिसाब से $6.3 बिलियन का नुकसान हुआ था। वेल, इसे अमेरिका का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल और फाइनेंशियल डिजास्टर माना जाता है। दोस्तों, मार्च 2006 में हुंडई का बनाया गया एक कार्गो शिप सामान समेत यमन से गुजर रहा था। ये एक बहुत ही ह्यूज शिप था जिसकी लंबाई 900 फुट से ज्यादा थी। ये कार्गो शिप कंटेनर से भरा हुआ था। वेल, पहले तो सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, लेकिन अचानक शिप के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ और शिप में आग लग गई। इस आग के शोले आसमान तक जा रहे थे और पूरा आसमान काले धुएं से भर गया था। इसके क्रू मेंबर्स ने फॉरेन अथॉरिटीज को कॉल की, लेकिन ये लोग जिस एरिया में मौजूद थे वहां पर पहुंचना आसान काम नहीं था। आखिरकार इन लोगों ने एक अबैंडेंड बोर्ड का सहारा लिया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। शिप में आग इतनी बढ़ गई थी कि इसे बुझाने में 5 दिन लग गए थे और इसमें मौजूद 100 से ज्यादा कंटेनर्स जलकर राख हो गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आधे से ज्यादा कंटेनर्स तो पानी में डूब कर लापता हो गए। जब इसे रेस्क्यू कर लिया गया तो बाद में पता चला कि इस कार्गो में कुछ कंटेनर्स ऐसे थे जिनके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल मौजूद था और इस मटेरियल वाले कंटेनर्स को एग्जैक्ट शिप के इंजन के ऊपर रख दिया गया था, जिसकी वजह से ये भयानक वाकया पेश आया था। लेकिन इस डिजास्टर की वजह से शिपिंग कंपनी को $800 मिलियन का नुकसान हो गया। एनीवे, जो भी हो, ये इंसिडेंट सच में टेरिफाइंग था।
दोस्तों जून 2013 में मॉल कंफर्ट नामी एक कंटेनर शिप सिंगापुर से सऊदी अरेबिया की तरफ जा रहा था। जब ये यमन में से गुजर रहा था तो समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। इस शिप का साइज बहुत ही बड़ा था और इस पर बहुत ज्यादा मिकदार में कंटेनर्स भी रखे गए थे, इसलिए क्रू मेंबर से इसे बैलेंस में रखना इम्पॉसिबल हो गया था। वेल, ये तूफान से लड़ता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पानी की इतनी बड़ी लहर आई कि देखते ही देखते इस लहर ने शिप को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसका अगला और पिछला पार्ट अलग होकर पानी में फ्लोट करना शुरू हो गए थे। जैसे ही उस लहर ने इस शिप को दो हिस्सों में तकसीम किया तो इसके कुछ ही देर बाद शिप के इंजन में आग लग गई और इसमें जितने भी कार्गो कंटेनर्स मौजूद थे वो सब जलकर राख हो गए, जबकि शिप का दूसरा हिस्सा पानी में डूब गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इस शिप के किनारे बहुत ही वीक थे, इसीलिए ये शिप पानी की लहरों को बर्दाश्त नहीं कर सका था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शिप के तबाह होने की एक वजह ये भी थी कि इस पर जरूरत से ज्यादा कंटेनर्स को लोड किया गया था। बहरहाल जो भी हो, इस डिजास्टर में कई क्रू मेंबर्स मारे गए थे और $400 मिलियन के सामान का भी लॉस हो गया था, जबकि शिप का लॉस अलग से था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये जो शिप आप दिख रहे हैं ये एक पैसेंजर शिप है। ये इतना ह्यूज है कि इसमें एक वक्त के अंदर 4000 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पर पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेकिन जनवरी 2012 में इस शिप के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा पेश आया था। असल में ये शिप इटली की टुस्कैनी कोस्ट से गुजर रहा था तो इसके कैप्टन ने अपनी डायरेक्शन पर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। इसे पता नहीं था कि इसके रास्ते में अंडरग्राउंड पत्थर भी मौजूद हैं। वेल, इस रास्ते से गुजरते वक्त इसका शिप एक अंडरवाटर रॉक से टकरा गया और इसमें होल हो गया। जैसे ही इसमें सुराख हुआ तो इसकी वजह से शिप पानी से भरना स्टार्ट हो गया। पानी का लेवल बढ़ रहा था और इसमें मौजूद सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस मुश्किल वक्त में जब मुसाफिरों को सबसे ज्यादा इसके कैप्टन की जरूरत थी तो शिप का कैप्टन अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था। बहरहाल रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने तक 34 लोग पानी में डूबकर मर चुके थे और बहुत से लोग सीरियसली इंजर्ड भी हो गए थे, लेकिन बाकी लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया था। वेल, इसके कैप्टन की बेवकूफी और अनलॉयल्टी की वजह से शिप कंपनी को $2 बिलियन का लॉस हो गया था, जो कि शिप की मेकिंग कॉस्ट से भी ज्यादा था। दोस्तों इसी साल मार्च में एवर गिवन कंपनी का एक कंटेनर शिप मिस्र की स्विस कनाल से गुजर रहा था। इस शिप की लंबाई 13 फुट से भी ज्यादा थी, लेकिन इस कनाल की चौड़ाई शिप से साइज में काफी छोटी थी। ये जहाज अभी कनाल से गुजर ही रहा था कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया और ये शिप पूरा का पूरा मुड़कर कनाल में फंस गया। इस शिप ने मिस्र की पोर्ट पर जाने वाले पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ आने वाले सारे शिप्स एक एक करके स्टक होना शुरू हो गए थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि देखते ही देखते इस कनाल में 370 शिप्स जमा होकर बुरी तरह फंस गए थे। ये समुद्र में लगने वाला सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम था। इस स्टक शिप को निकालने में ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग गया था और ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से सैकड़ों शिप्स का लॉस हो गया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एवर गिवन कंपनी को इस हादसे की वजह से $9.6 बिलियन का लॉस हो गया था। ये इंसिडेंट वाकई में किसी डिजास्टर से कम नहीं था।